अवकाल बनाए रखे के लिए भय बनाए के रखना बहुत जरूरी है। बच्चन पांडे जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसके अंदर ना ही मुझे एक्शन दिखा ना ही मुझे कॉमेडी दिखी, पर मुझे इतना पता है कि मेरे साथ तो कॉमेडी हो ही गई। भाई मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था जब मैंने बच्चन पांडे के ट्रेलर का रिव्यू किया था कि फराज शाम जी जब भी कुछ लेकर आते हैं मैं एक्साइटेड से ज्यादा डरा हुआ होता हूँ कि भाई अब ये इंसान मुझे क्या दिखाने वाला है। टॉकिंग अबाउट द फिल्म की यार फिल्म सिर्फ ओके ओके फिल्म है, इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा कॉमेडी नहीं है, स्टोरी तो बिल्कुल नहीं है, एज यूजुअल बाकी फिल्मों की ही तरह ही है, क्योंकि फरहान शाह जी अपनी राइटिंग डायरेक्टर से फिल्म का कार्यक्रम कर देते हैं और वही इस फिल्म के साथ भी किया है। तो बच्चन पांडे रीमेक है 2014 में आए जिगर ठंडा की, और जिगर ठंडा भी एक साउथ कोरियन फिल्म का रीमेक है। तो भाई रीमेक पे रीमेक खेला जा रहा है बॉलीवुड के अंदर, इनके पास कुछ भी अपना नहीं है। तो जिगर ठंडा एक सुपरहिट फिल्म रही थी और फरहाद शामजी कौन है वो भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। फरहाद शामजी वही इंसान है जिसने हाउसफुल 3, हाउसफुल 4, बागी 3 में जहाँ से आगरा से डायरेक्ट फ्लाइट मिल रही थी सीरिया जाने के लिए, तो भाई तुम भी जाओ आगरा और डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ो सीरिया जाने। फरहाद शामजी की फिल्मों का स्टोरी लाइन का कोई लॉजिक और कोई सेंस नहीं होता है, इसीलिए भाई मुझे इनकी फिल्में उतनी पसंद नहीं। जब मैं लॉजिक ढूंढूंगा सेंस ढूंढूंगा फिल्म के अंदर तो भाई ये फिल्म्स कम्प्लीटली सेंसलेस। ठीक है आगे बताऊंगा क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा जितना एक्शन मैंने एक्सपेक्ट किया था इस फिल्म से अंदर, जितनी कॉमेडी ह्यूमर मैंने उम्मीद की थी कि होगी उतना तो है ही नहीं, और डायलॉग्स के बारे में तो तुम पूछो ही मत मुझसे। दुनिया जानती है भाई पत्थर की आंख नहीं होती है, पर स्क्रिप्ट की डिमांड थी तो भाई पत्थर की आंख तो लगानी ही पड़ेगी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो यूपी के अंदर बच्चन पांडे लेफ्ट हैंड ड्राइव की एक विंटेज कार में घूम रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता भाई इतना ही पैसा था तो एक ओरिजिनल आंख लगवा लेते भाई, पत्थर की आंख की क्या जरूरत थी। पर नहीं, भोकाल भी तो बनाना है ना, और भोकाल बनेगा कैसे? तुम्हारी एक पत्थर की आंख से, और कोई तरीका नहीं है भोकाल बनाने का। और दूसरा रीजन है पत्थर की आंख लगाने का, फराज शाम जी को डायलॉग भी तो लिखना है कि बच्चन पांडे की आंख ही नहीं उसका दिल भी पत्थर का है। फिल्म की कहानी तो ट्रेलर में बता दी गई थी भाई कि मायरा यानी कि कृति सेनन जो एक डायरेक्टर है और अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए उसको एक फेमस डायरेक्टर बनना है, और फेमस डायरेक्टर बनने के लिए तो गुरु तुम्हें बस एक ही कहानी है या एक ही कैरेक्टर है, वो है कोई गैंगस्टर पकड़ो किसी गली मोहल्ले में जाके और उसकी बायोपिक बना दो। तो मायरा मुंबई से पहुंच जाती है बच्चन पांडे से मिलने यूपी के अंदर, और वहीं पर वो हेल्प लेती है विशु यानी कि अर्शद वारसी। अब अर्शद वारसी यूपी में पहले से क्या कर रहे हैं और वो बच्चन पांडे के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं, ये तो भाई तुम्हें फिल्म देखने के बाद भी नहीं पता लगेगा, तुम्हें पहले भी नहीं पता। मस्त जोक मारा ये हंस रहे अलकट हंस। गुरु सेंसलेस कहानी है ये, सेंस मत ढूंढो उसके अंदर, बस देखते रहो। देखो फिल्म में कॉमेडी की बहुत ज्यादा कमी है, एक आधा जगह जहां पर पंकज त्रिपाठी संजय मिश्रा और बाकी अदर सपोर्टिंग कास्ट की चुटकुलों और डायलॉग से तुम हंसोगे जरूर, पर वो लोटपोट वाला मामला नहीं है, हल्की फुल्की हंसी वाला मामला है। पर एक्शन की बात करो तो यार एक्शन जितना ट्रेलर में ब्रूटली तरीके से दिखाया गया था इतना एक्शन होगा इतना ऐसा कुछ है ही नहीं यार फिल्म के अंदर। जितना एक्शन मैंने ट्रेलर के अंदर देखा उससे ज्यादा ही मुझे कुछ 2-4-5 सीन्स और दिख गए होंगे। और ये फिल्म एक बहुत ही मेजर चीज को मिस करती है, वो है इस फिल्म के अंदर एक तगड़ा सा विलन होना चाहिए था, जो है जरूर इस फिल्म के अंदर पर वो कब आता है और कब चला जाता है तो पता ही नहीं लगता। तो वो चीज रहनी चाहिए थी क्योंकि हमारे बच्चन पांडे को थोड़ा कंपटीशन मिलना चाहिए था, है ना, ऐसा मेरे को लगता है, माय ओपिनियन। मैं डायरेक्टर नहीं हूँ और मैं स्क्रिप्ट राइटर भी नहीं हूँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि मैं ऐसी चीजें नहीं लिखता और ना मैं ऐसी चीजें बनाता हूँ। तो भाई बच्चन पांडे के बारे में बता दूं, भाई बड़ा ही गजब का कैरेक्टर है बच्चन पांडे, जिसकी एक आंख पत्थर की है, बड़ा ही खतरनाक किस्म का आदमी है बच्चन पांडे, सामने वाले पे गोली चलाने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचता, बड़ा ही जानवर क्रूर किस्म का आदमी है, और ऐसे आदमी पे मायरा यानी कृति सेनन फिल्म बनाने जा रही है। तो भाई बच्चन पांडे का कैरेक्टर अक्षय कुमार ने तो बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है, और ये भी मैं कहूँ कि इस फिल्म को जो देखने लायक एक चीज बनाती है वो है अक्षय कुमार का कैरेक्टर बच्चन पांडे और खुद अक्षय कुमार जिन्होंने उस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाया है। और एक और बात मैं अगर कहूँ कि इस फिल्म में दो लेजेंडरी एक्टर्स का पंकज त्रिपाठी और संजय मिश्रा, मैं पहली बार दिल से फील कर रहा हूँ कि ये दो एक्टर्स की मुझे परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई थी, क्योंकि ये भाई बहुत कुछ है। पंकज त्रिपाठी को तो भाई आप लोग जानते हैं, संजय मिश्रा को तुम लोग जानते ही हो, ये और इनका कम्प्लीटली मजाक बना के रख दिया फिल्म के अंदर। और संजय मिश्रा के पास तो डायलॉग्स भी नहीं है इतने
कि उनको बफरिया बना दिया गया, तो भाई वो बफरी कर रहे हैं, तो बस बुम 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 बुम। ये बफरिया चाचा है। मिलिंडा माजा का पिए मरिंडा या माजा बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं इनकी बेइज्जती कसम से। मतलब इस फिल्म में ना या तो इनको लेना नहीं चाहिए था यार, तो लेना चाहिए था यार, अच्छा सा कुछ करना चाहिए था ऐसा जिससे इनका है ना, इनकी जो वैल्यू है, इनकी जो इम्पोर्टेंस है फिल्म को पता लगे। पर पता नहीं पंकज त्रिपाठी को फिल्म के अंदर गुजराती कैरेक्टर क्यों दिया गया। मतलब यूपी के अंदर शूटिंग है, वहाँ पर गुजराती भी है, मुंबई के भी हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग वहाँ पर आए हुए हैं, मतलब समझ से बाहर क्यों है ऐसा यार। और पंकज त्रिपाठी मतलब जब उनकी एंट्री होती है मजा जरूर आता है, और उतने पार्ट में मजा आता है, ठीक है वो 10-15 मिनट तक स्क्रीन पर रहते हैं उतने में मजा आता है। आजकल के फुल्के पंचेस होते हैं, थोड़ी कॉमेडी आती है, थोड़ी हंसी वगैरह भी आती है। तो भाई मैं बिल्कुल कहूँ कि अगर पंकज त्रिपाठी साहब गुजराती की जगह हिंदी बोलते ना तो भी अच्छी परफॉर्मेंस निकल आती। चलो छोड़ो अब तो कहीं कहते, बाकी मीम वाला किस्सा तो तुम लोगों को पता ही है कि भाई मीम्स के अंदर से कभी होता था फिल्मों से मीम्स बन रहे हैं, अब मीम्स के अंदर से फिल्में बन रही हैं, तो ये भी फिल्म ऐसी ही है, ठीक है। तो आगे मैं बताऊं, और रही बात, अच्छा फिल्म में एक और कैरेक्टर है जिसके बारे में अभी तक बात नहीं की है, वह जैकलिन फर्नांडिस। वो इस फिल्म में हो या ना हो पर ग्लैमर का पूरा मजा तो देकर चली जाती है, और इतना तो क्लियर मुझे पता था कि भाई उनको अक्षय कुमार ने नहीं मारा है। और ये कोई स्पॉइलर वगैरह नहीं है भाई, मैं बहुत लेट वीडियो हो गई है तो स्पॉइलर वगैरह कुछ नहीं, पर इतना तो मुझे पहले ही पता। तो यार कृति सेनन को बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है और अच्छी खासी परफॉर्मेंस ठीक ठाक उन्होंने डिसेंट टाइप की परफॉर्मेंस दी है। वहीं पर अक्षर वादे भी ठीक ठाक है, अच्छे खासे पंचेस मारते दिखते हैं, वो वही परफॉर्म करते हुए दिखते जो कपिल शर्मा शो में आकर जब फिल्म प्रमोट करते हैं वो पंचेस मारते हैं, तो वही चीज उनका फिल्म में भी वही रोल है। फिल्म की कहानी में कोई लॉजिक नहीं है, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, कोई सेंस नहीं है, और एक लाइन में मैं कहूँ तो भाई फिल्म के नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात है, मुझे मजा नहीं आया। मैं कहूंगा कम्प्लीटली वन टाइम वॉच है, जाओ सिनेमा हॉल में देखो और अपने पैसे फूको और बाहर आके खुद से पूछो कि क्यों देखी तुमने ये फिल्म। पर वो एक वो अलग बात है यार, तुम अक्षय कुमार के फैन हो तो जरूर तुम इस फिल्म को देखो, तुम्हें अक्षय कुमार के पर्सपेक्टिव से फिल्म यह ठीक लगेगी, बढ़िया लगेगी, बट वो नहीं है, समझ जाओ, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, ये था मेरा पॉइंट बच्चन पांडे के लिए। तो यार उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो यार शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो मन करे वो कर लेना।